राधे राधे। मैं बहुत कम आती हूँ कैमरे के आगे, तो आज फिर से आई हूँ। और ये कहने, क्या आप लोग मेरे कृष्ण से प्रेम करते हो, राधा रानी से प्रेम करते हो? नहीं, फालतू जीवन कितना काट दिया। अच्छा, आप सोच के बताइए, वही रोज़ सुबह उठना, खाना पीना, फिर सो जाना, क्या कमाया? सोच के देखिए, एक दिन सबको चले जाना है। और हम सबको ये बात अच्छे से पता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? सोच के देखिए, हम बता रहे हैं, हमने तो सीख लिया है, हम भी पहले ऐसे ही एवें जीवन काट रहे थे, लेकिन जिस दिन मुझे अपने बाकी प्यारे से प्रेम हो गया ना, उस दिन समझ में आया कि कैसा जीवन काट दिया। कृष्ण से प्रेम करिए, सच बता रहे हैं, जीवन में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। कृष्ण से प्रेम करिए, और कोई आप पे गुस्सा करे तो उसको माफ कर दो, गाली दे माफ कर दो। पता कैसा बनना चाहिए? जैसे कि एक फल वाला पेड़ देखा है आपने, फल वाला पेड़ हमको फल देता है और वो नीचे झुक जाता है, हमें फल देने के लिए वो नीचे झुक जाता है, उसके सारे फल नीचे लटकते हैं, हम लोग आसानी से तोड़ लेते हैं, और वो भी हमें फल दे रहा है झुक के। और दूसरा पेड़ जिसमें ना पत्ता है ना कोई फल है, और खड़ा हुआ अकड़ा हुआ, हवा भी नहीं है, छाँव भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अकड़ा हुआ खड़ा है। तो हमें कैसा बनना है? फल वाला पेड़। देखिए, कलयुग है, दुनिया बहुत गलत रास्ते पे जा रही है। माना कि मैं आपको समझाऊंगी, आपको कुछ बोलूंगी, तो आप लोग बोलोगे क्या बनती है, प्रवचन देने लगी, यही बोलोगे। मुझे पता है हर बंदा यही बोलता है, लेकिन मैं लाला की भक्त हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि सबको अच्छी बात पता होनी चाहिए और सब लोग अच्छे राह पर चलना चाहिए, क्योंकि मेरे बाकी बिहारी चाहते हैं कि सब उनके तरफ आ जाए, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमारी केयर करते हैं, सेम वैसे ही मेरे लाला भी बहुत प्रेम करते हैं हम लोगों से। और हाँ, जब कन्हैया से हमें प्रेम हो जाएगा ना, तो हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं ना, धीरे धीरे सब चले जाएंगे। सच्ची में, किसी से द्वेष नहीं, चुगली नहीं, चुपड़ी नहीं, गुस्सा नहीं। गुस्सा आएगा कभी कभी, मुझे भी आ जाता है, लेकिन फिर तुरंत शांत करती हूँ अपने आप को समझा के। इंसान हूँ ना, भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ जो मेरे कन्हैया को पसंद है ना, मैं वैसी बनूँ। अभी के लिए इतना ही, आज एकादशी का व्रत है ना, तो मुझे जल्दी से खाना बनाना है, ठीक है? राधे राधे। हर सांस पर राधा नाम जपते रहिए, क्योंकि जो हमने पाप किए हैं वो नाम से खत्म होंगे। नहीं विश्वास होगा, हमको पता है, किसी को विश्वास नहीं होता, कभी कोई करना चाहता ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अपने दादा देखे होंगे, तो क्या दादा के भी दादा दे पापा देखे थे, और उनके भी क्या पापा देखे थे? बताइए बताइए। नहीं देखे ना, तो आपने मेरे कृष्ण नहीं देखे तो क्या नहीं थे? अगर कृष्ण नहीं थे तो आपके दादा के पापा नहीं थे, उनके पापा के पापा नहीं थे, पापा नहीं थे, पापा नहीं थे, ठीक है? अब मैं रखती हूं, और क्या राधा राधा नाम रटिए, खुश रहिए, सबको खुशियाँ दीजिए। राधे राधे।